हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो जो है आप सभी लोगों के लिए बहुत काम की है। तो यहाँ पे हम जो हमारे बाल खड़े होते हैं उसे हम सीजर से पहले कट कर लेते हैं। पहले वो यहाँ पे मैंने दूसरी साइड में स्टूडेंट काट रही थी तो मैंने मना किया, क्योंकि जिस साइड आप होते हो उस साइड से आपको कट करना चाहिए। तो अभी मैं इस साइड की आईब्रो ये करेंगे तो इसी साइड होकर उसको सेव देते हैं कट करते हैं। और ये आईब्रो मेरी स्टूडेंट बनाएंगी। तो आज की वीडियो इसको आप पूरा देखिएगा। इस वीडियो में शायद हो सकता है कि आपकी जो प्रॉब्लम खुद की होती है आईब्रो में आपकी वो सॉल्व हो जाए, क्योंकि मेरी स्टूडेंट के साथ भी वही प्रॉब्लम हो रही है जो आप लोगों के साथ होती है, कि आपसे जो है शेप नहीं आता है, शेप में क्या प्रॉब्लम होती है, वो सारी डिस्कस आज मैं इसमें करने वाली हूँ। और मेरी जिस तरीके से आप लोग काम करती हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो शायद आपको इसमें क्लियर हो जाए, क्योंकि जिस आप जैसे स्टूडेंट हो ठीक उसी तरीके से ये भी स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं कि शायद मैं करती तो इससे अभी तक हाफ वाल निकल चुके होते, लेकिन मेरी स्टूडेंट कर रही हैं तो जाहिर सी बात है अभी इनको एक्सपीरियंस नहीं है, और अपने धागे पर जो एक कंट्रोल होता है वो चीज़ नहीं है। वही चीज़ आप लोगों को प्रॉब्लम करती है कि शेप आप लोग नहीं दे पाती हैं। तो इस वीडियो को आप लोग लगातार बहुत ध्यान से देखिएगा, एक बार में नहीं तो दो बार में समझ में आएंगे। और यहाँ पर आप देख रही हैं कि आपको शेप देने का एंगल जो होता है उस तरीके से करना है, चाहे आपके एक ही बाल फंसे उस कैंची में, जो कैंची आप बनाई हुई हैं, जो हम लोग ये राइट हाथ से बनाए हुए हैं, वो जो है चाहे आप एक ही बाल फंसाइए, लेकिन वो जो एक सेप होता है देने वाला उसमें फंसा के निकालिए। इससे क्या होगा कि आपको बहुत जल्दी आईब्रो में सेप देना आ जाएगा और फिनिशिंग देनी आ जाएगी। अगर आप एक एक बाल उखाड़ेंगे तो उससे नहीं आएगा, बल्कि इस चीज़ से आएगा। आप जब ऐसे बैठा कर अपने थ्रेड को ले जाएंगी तो आपसे आपकी जल्दी ही आप अपनी आईब्रो में फिनिशिंग देना आ जाएगा आपको। तो इस आईब्रो को देखिएगा, फाइनली मेरी स्टूडेंट ने बनाया। बस लास्ट में हमने थोड़ा सा जो है जो एक्स्ट्रा जो थोड़े बहुत एक दो बाल थे जो नहीं निकलते हैं, या कि मैं यहाँ पे चार पांच मेरी स्टूडेंट थी तो उन सभी को सिखाने के लिए वो चीज़ें मैंने बताई है। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ये गलतियाँ करती हैं कि शुरू के जो हमारी आईब्रो होती है वहाँ पर पतली कर देती हैं, वही हमारी ये भी स्टूडेंट ने किया हुआ था। तो वो कैसे पतली होती है, वो इस तरीके से होती है कि जब हम बीच की आईब्रो करते हुए होते हैं तो हमारे जो शुरुआत की आईब्रो होती है वो अपने आप वहाँ पर टच होता है धागा और खींच ले जाता है। तो वहाँ पे क्या आपको करना चाहिए वो चीज़ें मैं लास्ट में अपनी जब मैं करती हूँ तब आप देखिएगा। और यहाँ पे आप जब भी कोई नई किसी की आईब्रो को बनाती हैं तो हमेशा नीचे और ऊपर इनकी काफ़ी हल्की, मतलब ये काफ़ी पतली आईब्रो बनवाएंगी। तो इसलिए यहाँ पे मैंने अपनी स्टूडेंट को दिया कि आप जो भी शेप आपको समझ में आए इसमें क्रिएट करो। मैं थी और इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं खुद ही कर रही थी और मैं बता भी रही थी अपनी सारी भी सभी स्टूडेंट को कि किस तरीके से जो है आपको इनको बता भी रही थी कि कहाँ कहाँ पे करना है, किस तरीके से शेप देना, वो सारी चीज़ें मैं इनको बोल रही थी और ये मेरी स्टूडेंट कर रही थी। और सामने जब भी मैं खड़ी रहती हूँ तब मैं इस तरीके से कराती हूँ, बीच का जो हिस्सा है वहाँ पे इस तरीके से आपको निकालना है। और जब आप आईब्रो की शुरुआत करते हैं तो कभी भी बहुत हड़बड़ी में ना करें, थोड़ा स्लो होके करें। थोड़ा सा दर्द भी होता है जिनसे जिनका आप करती हैं, तो हो सके कि आपके कोई रिलेटिव हो, फ्रेंड हो, वो लोग से उनकी आईब्रो को बनाने से शुरुआत करें ताकि आपको भी डर ना लगे और थोड़ा सा 19-20 हो तो भी ना डर लगे और उनको भी थोड़ा बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि शुरुआत में आपको धागे पर कंट्रोल नहीं होता है तो आपको पता नहीं होता है। तो आप जिनके भी आईब्रो को बनाते हैं उनको पेन बहुत होता है, यानी दर्द बहुत होता है। तो उससे क्या होता है कि अगर आपके परिचित रहेंगे कोई तो वो थोड़ा सा जो है कंप्रोमाइज़ करती हैं, लेकिन अगर कोई वैसा होगा तो वो शायद नहीं करता है। तो इसलिए अपने घर में अपने मम्मी का, भाभी का, किसी का, फ्रेंड लोग का करें ताकि जो है वो लोग थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करें ताकि आप लोग सीख जाएं। और इसी तरीके से करें, बहुत ज़्यादा एक बार में बाल निकालने की कोशिश बिल्कुल ना करें। और एक एक बाल निकालेंगी, थोड़ा सा ऐसे आईब्रो को थ्रेड को बैठा कर करेंगे, इससे आपकी स्किन नहीं निकलेगी और आपके आईब्रो में एक फिनिशिंग आएगी। ठीक है, आप देख सकती हैं कि यही सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों को होती है, इसलिए मैंने अपने स्टूडेंट की वीडियोस को रिकॉर्ड किया। क्योंकि अभी जिन लोगों को मैंने सिखाया है अब वो सोचती हैं कि 2-3 महीने हो चुके हैं तो उनको लगता है कि मैं भी जो है
आईब्रो में सेप दूँ, बनाऊँ? अब मैं उनको देती हूँ, पर मैं साथ में खड़ी रहती हूँ और उन्हीं की आईब्रो को देती हूँ जिनकी आईब्रो में बहुत सारी ग्रोथ होती है, और मुझे पता होता है कि हाँ, इनकी बहुत ग्रोथ है और बहुत मोटी आईब्रो है, जबकि ये पतली बनवाएंगी। इनकी आईब्रो जो बनती है, ये जो बनवाती हैं, इनकी जो चॉइस है मेरी कस्टमर की, मेरी क्लाइंट की, वो काफ़ी पतली आईब्रो बनवाती हैं। तो यहाँ पर मुझे पता है कि अगर मेरी स्टूडेंट थोड़ा बहुत 19-20 कर देती हैं, यानी आईब्रो के इधर उधर बाल निकलते हैं, तो वो मैं पतली इनकी आईब्रो बनेंगी, तो वो मैं फाइनल जो इनको चाहिए होगा वो हम लास्ट में सेप दे देंगे। इसलिए यहाँ पे मैं अपनी स्टूडेंट बनवा रही हूँ। तो जब भी आप प्रयास करें, या तो जिनके ऐसे बाल हों कि जिसमें एक्स्ट्रा निकला हो, सेप बना हुआ हो, जो थोड़े थोड़े बाल आए हों उनका करें, या तो फिर उनकी आईब्रो करें जिनके बहुत ज़्यादा आईब्रो मोटी हो और उनमें सेप दें, ताकि उनको कुछ ऑप्शन आपके पास बाकी रहें ठीक करने के, कोई हो जो ठीक कर सके, या कि जो बहनें मेरी पार्लर में सीख रही हैं तो वैसे ही प्रैक्टिस करें। शुरुआत में किसी क्लाइंट का ऐसे ऐसे लोगों पर करें जिनकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो, और थोड़ा थोड़ा निकाल दें, फिर थोड़ा बहुत जो बाकी होता है वो जो है आपकी सीनियर निकाले। तो ऐसे ही मैं अपने पार्लर में करती हूँ कि जब भी जो क्या होता है, जिनकी आईब्रो मोटी होती है, तो मैं अपनी स्टूडेंट को से बनवाती हूँ, लास्ट में जो भी थोड़ा बहुत रहता है उसको मैं क्लियर कर देती हूँ। तो इससे मेरे क्लाइंट भी खुश होते हैं और मेरी स्टूडेंट वगैरह सीख भी लेती हैं, क्योंकि कितना घर में करेंगे, क्योंकि एक दो आईब्रो के बाद 15-20 दिन को टाइम लगता ही है। तो कुछ इस तरीके से भी आप लोग प्रयास कर सकती हैं। घर में ज़्यादा फैमिली बड़ी है तो वहाँ घर के लोगों में ही करें, नहीं तो आप बाहर भी इस तरीके से, अगर जहाँ भी सीख रही हैं, काफ़ी मेरी बहनें सीख रही हैं लेकिन उनको आईब्रो में सेप देने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसे मुझे लगता है इस वीडियो में उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर ये जब ऊपर बनाती हैं तो काफ़ी दबा के करती हैं, तो यहाँ पर मैं इनको जो है ये बोलती हूँ कि थोड़ा सा जो है आप ज़्यादा नहीं अंदर करो, नहीं तो आपकी आईब्रो ऊपर से भी पतली हो जाएगी। तो यहाँ पे ये बस वही धागे में भरने की कोशिश कर रही है। तो जो ये तरीका होता है कि आपको कैंची में लाना है बाल, तो वो तरीका आपको आना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपनी कैंची में बाल को फंसाना नहीं जानेंगी, तब तक आप फाइनल लुक नहीं दे पाएंगी। और बाद में आप देख सकती हैं कि अभी आईब्रो में एक बाल बचा हुआ है, मैं उस बाल को क्लियर करूँगी। और यहाँ पर थोड़ा बहुत कमी ये है कि इनकी आईब्रो जो है शुरुआत से थोड़ी सी जो हल्की भी होती है, और स्टूडेंट थोड़े थोड़े पतले किए हैं जितना होना चाहिए, पर बीच में अभी थोड़े से बाल हैं। जो इनको सेप चाहिए वो अब मैं दूंगी, इनको पतली थोड़ी सी चाहिए, ठीक है? तो आप देखिए कि किस तरीके से मैं देती हूँ, कि मैं दर पर ही बाल को उठा लेती हूँ ताकि आगे के बाल पीछे के बाल ना निकलें। तो ठीक इसी तरीके से करना चाहिए। जब भी आप आईब्रो को करें तो आपके अपने हाथों में कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे मैं देख आप लोग देख सकती हैं कि बहुत हल्की और पतली। तो इस तरीके से अपनी आईब्रो को पतली करें, बहुत हल्का। आप देख सकते हैं कि आप लोगों को पता भी नहीं चल रहा है, जबकि यहाँ से बाल वो निकल रहे हैं और फिनिशिंग भी आईब्रो में आ रही है। तो कुछ इस तरीके से फिनिशिंग दी जाती है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको आना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे हमने दिखाया कि मोटी है, बीच में मोटी है, और शुरुआत की आईब्रो बहुत पतली दिख रही है, जबकि ये इतनी पतली उनको चाहिए। तो यहाँ पे बीच में जो मोटी है आप देख सकती हैं, आप एक लेयर, ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ आना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख सकती हैं, जो मैंने इसको रिपीट करिएगा आप दो बार, यहाँ पर देख सकती हैं, ये देखिए। अब ये फिनिशिंग में, अब ये आईब्रो में कितनी फिनिशिंग से आएगी। यहाँ पर भी एक दो बाल हैं, इसको भी मैं निकालूंगी, यहाँ पे देख सकती हूँ। दर पे ही मैं निकालती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थ्रेड को खींच कर नहीं ले जाती हूँ। इस तरीके से खींच कर ले जाने से हमारे बीच के बाल, इधर उधर के बाल निकल जाते हैं। तो ये यही सारी चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है, कि अपने हाथों में, अपने धागों में इतना कंट्रोल रखना है कि आप जो बाल निकालना चाह रहे हो सिर्फ वही बाल निकले। और यहाँ पर आप लोग देख सकती हैं कि किस तरीके से मैंने बीच के भी हिस्से को पतला किया, ये देखिए, ये। और आपके हाथों में इतना कंट्रोल हो जाना चाहिए कि आप जो है बिना पकड़े, स्किन को बिना पकड़े आप बाल निकाल लें। तो जब आप ये कर लेंगे तब आप समझ जाइए कि आप आईब्रो बनाने में परफेक्ट हो गई हैं, ठीक है? तो यहाँ पे एक आईब्रो कंप्लीट हो चुकी है, जो कि मेरी स्टूडेंट ने ही बनाया, आपने देखा। और दूसरी आईब्रो जो है वो हमने बनाया था, क्योंकि इनका काफ़ी दर्द हो रहा था, और शुरुआत में सभी का बहुत दर्द होता है। तो हमने, आप देख सकती हैं कि हमारी स्टूडेंट का और हमारी जो आईब्रो है सेम एक जैसी आई हुई है। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है ये भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हो सकता है कि इसमें काफ़ी कुछ आप लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही थी समझने में, आईब्रो बनाने में, वो सॉल्व हो गई होंगी।
तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग चैनल को कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।